नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड रोधी औषधि 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज जारी। रक्षा मंत्री ने कोविड महामारी से देश की लड़ाई में रक्षा मंत्रालय और सेना की कार्रवाई की समीक्षा की। देश में अब तक 18 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,78,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 84.81% हुई। देश में पिछले 24 घंटों में 2,81,386 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने 2 मंत्रियों और 1 विधायक को गिरफ्तार किया। पूर्व महापौर भी गिरफ्तार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के खोनमोह में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए। अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के आज रात पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना। उत्तराखंड में शीतकालीन अवकाश के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले। और ताइवान में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लागू। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं निखिल कुमार। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड रोगियों के लिए 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज दवा आज जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉ रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में ये दवा आशा की नई किरण लेकर आई है। यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता 40% कम होगी। कोविड-19 महामारी से संघर्ष में केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों, ऑक्सीजन, बिस्तरों और दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सहायता उपलब्ध कराने में सेना निरंतर प्रयास कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड रोधी दवा को विकसित करने के लिए डीआरडीओ तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में ये दवा काफी हद तक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का लगातार सुदृढ़ कर रही है। देश में प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये काम 2 से 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।
हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर रेड्डीज लैब अगले महीने से 2DG दवा का अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी और ये दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जाएगी। नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है और बाहर से ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। यह दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। महामारी के विरुद्ध तैयारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर DRDO ने 2DG के चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित करने की पहल की थी। ग्लूकोज का एक जेनरिक मॉलिक्यूल और एनालॉग होने के नाते इसका उत्पादन आसानी से हो सकेगा और देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह दवा पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकेगा। 2DG दवा वायरस से संक्रमित मरीज की कोशिकाओं में जाकर उसे बढ़ने से रोकती है। इस दवा से संक्रमित व्यक्तियों की जीवन रक्षा हो सकेगी और कोविड मरीजों के अस्पताल में रहने की अवधि को भी कम करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस स्ट्रेन पर कारगर साबित हुई है। मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सहित कोरोना वायरस के सभी प्रमुख रूपों को बेअसर करने में सफल है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह अध्ययन किया था। कोवैक्सीन भारत में अभी उपलब्ध 3 कोविड रोधी टीकों में से एक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने की लड़ाई में रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। केंद्र सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC को 1,00,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने की जिम्मेदारी दी है। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद का खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। देश की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ने बताया कि उसने अन्य देशों के विक्रेताओं को 34,673 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तुरंत आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। इनमें से 2,900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 21 मई तक मिलने की संभावना है। शेष कॉन्सेंट्रेटर जून के अंत में मिलेंगे। ONGC ने बताया कि देश के विनिर्माणकर्ताओं को 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ऑर्डर दिया गया है। भारतीय वायुसेना का एक विमान गुजरात के जामनगर से 3 खाली क्रायोजेनिक कंटेनरों में चिकित्सा ऑक्सीजन भरवाने के लिए दुबई के अल मखतूम के लिए रवाना हुआ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस काम में सहयोग कर रहा है। दुबई से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भरने के बाद इन क्रायोजेनिक कंटेनरों को समुद्री जहाज से वापस भारत लाया जाएगा। वायुसेना के विमान से इन खाली कंटेनरों को ले जाने से समय की बचत होगी। देश में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। अब कुल संक्रमित लोगों के लगभग 14.09% कोविड मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि इस समय 35,16,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। टुडे वी हैव 35,16,997 एक्टिव केसेस इन द कंट्री एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 26 डेज वी हैव सीन केसेस लेस देन 3,00,000। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,81,386 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 84.81% तक पहुंच गई है। कल 3,78,000 से अधिक रोगियों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।
देश में अब तक 2,11,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल समेत 10 राज्यों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या अधिक है। 75% से अधिक दैनिक संक्रमित लोग इन 10 राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 4,106 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 2,74,390 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि जांच, पहचान, उपचार, आइसोलेशन और टीकाकरण की नीति के तहत 31,64,00,000 कोविड जांच की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,73,000 जांच की गई। देश में अब तक 2,542 प्रयोगशालाओं में जांच की जा रही है, जिनमें 252 सरकारी और 1,290 निजी प्रयोगशालाएं हैं। देश में अब तक 18,29,00,000 से अधिक कोविड 19 टीके लगाए गए हैं। लगभग 14,11,00,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 4,17,00,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 6,91,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड 19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हुआ था और इसके तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 2,00,00,000 से अधिक कोविड टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20,76,00,000 से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 18,70,00,000 से अधिक टीकों का इस्तेमाल हुआ है तथा कुछ बर्बाद हुई हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3,00,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भुवनेश्वर से कोरोना योद्धा डॉक्टर अरिजीत महापात्रा का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। उन्होंने 1 महीने की बच्ची गुड़िया के जीवन को कोरोना संक्रमण से बचाया था। पहले तो बच्ची की हालत बहुत खराब था, उसके बाद हमने उसको वेंटिलेटर में रखा और स्टेरॉयड है, एंटीकोआगुलेशन है, रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है और ऑक्सीजन है, बाकी सारे दवा की शुरू किया। उसके ब्लड प्रेशर में भी तकलीफ था कि सारे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं, सारे ऑर्गन में भी तकलीफ। कुल मिला के काफी सीरियस कंडीशन में जगन्नाथ हॉस्पिटल और AIPH यूनिवर्सिटी का पूरा टीम है, लगने के बाद हमने उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाल पाए और उसके बाद बच्ची ने दूध पीना शुरू किया और सुस्त होकर 20 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद हम लोग उसको डिस्चार्ज कर पाए। ये कार्यक्रम रात 9:15 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com, हमारे YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। इसे आप newsonair ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी औषधि 2-D-ऑक्सी-डी-ग्लूकोज जारी। रक्षा मंत्री ने कोविड महामारी से देश की लड़ाई में रक्षा मंत्रालय और सेना की कार्रवाई की समीक्षा की। देश में अब तक 18,29,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,78,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 84.81% हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 2,81,386 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI ने 2 मंत्रियों और 1 विधायक को गिरफ्तार किया, पूर्व महापौर भी गिरफ्तार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के खोन मुह में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए। अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के आज रात पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना। उत्तराखंड में शीतकालीन अवकाश के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले। और ताइवान में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लागू। सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी, उनकी तस्वीरें और संपर्क को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके माता पिता कोविड महामारी के कारण नहीं रहे हों और उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो तो बच्चे की सूचना पुलिस बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा ये बालक मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका खानुनगो ने आकाशवाणी से कहा कि ऐसे बच्चे को बाल कल्याण समिति को दिया जाना चाहिए। कोविड टाइम्स में जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन सभी बच्चों को ये जरूरी है कि जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाए। वो कमेटी ही तय करेगी कि उन बच्चों को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन किया जाना है, उनके परिवार के साथ रखा जाना है, कैसे उनकी वेलबींग इंश्योर होगी। इसके लिए जो कानून से मैंडेटेड स्थान है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे किन्हीं बच्चों के बारे में पता चलता है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है तो वो 1098 हेल्पलाइन पर फोन करें, नजदीकी थाने में जाकर खबर करें अथवा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताएं। मध्य प्रदेश में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है। कल राज्य में 7106 लोग संक्रमित हुए, 79 लोगों की मृत्यु, जबकि 12345 मरीजों के स्वस्थ होने की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 86.10% है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 94652 है। पॉजिटिविटी दर घटकर 10.6% हो गई है। राज्य के 7 जिलों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम और सागर में 200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9 जिलों छिंदवाड़ा, बड़वानी, भिंड, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% और उससे कम है। इस बीच तूफान के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है, इससे राज्य की ऑक्सीजन आपूर्ति प्रभावित हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण पहले से किया जा रहा है। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 24 जिलों में लागू कर्फ्यू आज सुबह समाप्त हो रहा था। इस बीच कल केंद्र शासित प्रदेश में 4141 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 1690 लोग जम्मू संभाग के और 2451 लोग कश्मीर संभाग के हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने विभिन्न जिलों के जन स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने वाले लोगों को सतर्क किया है। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाप को कई लोगों द्वारा एक साथ उपयोग किए जाने से कोविड महामारी फैल सकती है। राज्य में आज कलिंग नगर से 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन पहुंची, इसे चेन्नई और अन्य जिलों के अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। नगालैंड में कोहिमा के नगा अस्पताल प्राधिकरण में पहला प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र आज से शुरू हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्योफोम ने आज सुबह इस ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे अस्पताल की ऑक्सीजन मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसे मेडिकल गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। श्री फोम ने बताया कि कोहिमा के नगा अस्पताल प्राधिकरण में प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन संयंत्र प्रति मिनट 300 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग के लिए 3 ऑक्सीजन संयंत्र आवंटित किए हैं। छत्तीसगढ़ में भारत इस्पात प्राधिकरण की एक इकाई भिलाई इस्पात कारखाना कोविड रोगियों की आवश्यकता को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उच्च गुणवत्ता युक्त इस्पात के लिए प्रसिद्ध भिलाई इस्पात कारखाना देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करके संकट मोचक बन गया है। पत्र सूचना कार्यालय चेन्नई के पूर्व निदेशक श्री मुथुवेल का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। श्री मुथुवेल कोरोना से संक्रमित थे और उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। वे भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, DAVP, DFP और रक्षा मंत्रालय चेन्नई में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया था। ताइवान सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक की सबसे कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। सिनेमा हॉल और मनोरंजन स्थल 28 मई तक बंद कर दिए गए हैं।
खुले स्थान पर 10 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। राष्ट्रपति त्शे इंगवेन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जरूरी चीजें खरीदने के लिए अफरा तफरी न मचाएं। ताइवान अब तक इस महामारी से करीब करीब बचा हुआ था। कल यहां 207 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। महामारी की शुरुआत होने के बाद से 2,30,00,000 आबादी वाले ताइवान द्वीप में 1,682 लोग संक्रमित हुए हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और आइए अब सुनते हैं मशहूर शास्त्रीय गायक वासिफुद्दीन डागर का कोविड महामारी से लड़ने का संदेश। ये संक्रमण जो हमारे पे आया है, इसमें यही है कि हम लोग पिछले साल जिस तरीके से लड़के हम लोग इससे उभर के आए हैं, इस साल भी अगर हम लोग वही चीजों का अगर एहतियात बरत लें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है या अपने हाथ धोने का कोई क्रम है या अपने घरों में रह के जो भी कुछ काम कर सकते हैं उसको करिए। और इसी तरीके से आज तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मीडियम है ऑनलाइन, तो इसी तरीके से अगर हम और समय अपने संगीत में और कलाओं में अगर लगा के हम कुछ न कुछ इसमें और कुछ प्रदान कर सकें, जिससे इस पूरे संसार में कुछ न कुछ अच्छा हो जाए, हमारे देश में अच्छा हो जाए। और हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम जिस तरीके से इस महामारी से बच सकते हैं इसको या बचा सकते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दो मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के साथ विधायक मदन मित्रा को आज सवेरे गिरफ्तार किया। कोलकाता के पूर्व महापौर सोहन चटर्जी को भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। सभी लोगों पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान घूस लेने का आरोप है। सभी को कोलकाता में सीबीआई मुख्यालय लाया गया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के आरोपी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई कार्यालय पहुंची हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के खोनमोह गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सवेरे मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया कि खोनमोह गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने इलाके को घेरकर छानबीन शुरू की। संदिग्ध स्थल पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। अरब सागर के पूर्व मध्य में केंद्रित चक्रवात ताउते ने अति भीषण चक्रवात का रूप ले लिया है। ये आज रात 8 बजे से 11 बजे तक पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है। भीषण चक्रवात ताउते आज सुबह 5:30 बजे मुंबई के पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लगभग 160 किलोमीटर, वेरावल के दक्षिण दक्षिण पूर्व से 290 किलोमीटर और द्वीप के दक्षिण दक्षिण पूर्व से 250 किलोमीटर दूर केंद्रित था। मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवात ताउते के उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर आज शाम गुजरात तट तक पहुंचने की संभावना है। ये चक्रवात 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ गुजरात तट को पार करेगा। इसकी रफ्तार बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मौसम विभाग ने आज शाम से सौराष्ट्र के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और दक्षिण गुजरात में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में सामान्य से ऊंची लहरें उठने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि चक्रवात ताउते को देखते हुए संभावित तटीय जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 44 टीमें तैनात की गई हैं। समुद्री तूफान ताउते के खतरे को देखते हुए राज्य में अब तक 1,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के 17 जिलों के 655 गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य अभी भी जारी है। समुद्री तूफान से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू करने के लिए 388 स्वास्थ्य दल और राजस्व विभाग के 319 दल तैयार रखे गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए 161 ICU एम्बुलेंस और 576 इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति और परिवहन के लिए राज्य में 35 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। एनडीआरएफ की 44 टीम के साथ राज्य आपदा मोचन बल की 10 टीम भी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय जिलों में तैनात की गई है। जिला स्तरों पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त अभियान चलाकर कर्नाटक समुद्री तट पर मुल्की रॉक में फंसी टग बोट के कर्मियों को बचा लिया है। ये कर्मचारी तूफान से उठी ऊंची लहरों के बीच समुद्र में फंस गए थे। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज वराह ने 5 श्रमिकों जबकि भारतीय नौसेना के जहाज IN-702 ने 4 लोगों को बचाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने श्रमिकों को बचाने के लिए तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण भारी बरसात हो रही है। वरली, अंधेरी, शिवाजी पार्क और पेदर रोड सहित कई निचले इलाकों में जल जमाव होने की खबर है। बृहन मुंबई नगर निगम के सभी 24 वार्डों के सहायक कमिश्नरों को किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुसार सभी उड़ानें आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब तक हवाई अड्डे पर 3 डायवर्जन देखे गए हैं। CSMIA ने कहा, एक स्पाइस जेट की उड़ान को सूरत की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है, एक अन्य इंडिगो की उड़ान को फिर से लखनऊ लौटने के लिए कहा गया है, तो और एक इंडिगो की उड़ान को हैदराबाद की ओर मोड़ दिया गया है। दूसरी ओर मुंबई नगर निकाय ने शहर और उसके आसपास के सभी समुद्र तटों पर 93 जीवन रक्षक तैनात किए हैं। इसके अलावा शहर के 7 स्टेशनों पर दमकल कर्मियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। एहतियात के तौर पर दहिसर, मुलुंड और BKC से 581 कोविड मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भीषण चक्रवाती तूफान ताउते से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों से 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय वायुसेना ने ताउते से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वायुसेना ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के जवानों और उनके साजो सामान को लाने ले जाने के लिए अपने कई विमानों को तैनात किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ खोले गए। शीतकालीन अवकाश के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था। कोविड महामारी के कारण इस मौके पर मंदिर के पुजारी और जिला प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित थे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। इससे पहले 2 अन्य धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कल खोले जाएंगे। खूबसूरत और खनकती आवाज से लाखों दिलों में बसे पंकज उधास न केवल गजल के लिए बल्कि बेहतरीन गानों के लिए भी जाने जाते हैं। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ और आहिस्ता कीजिए बातें, निकलो ना बेनकाब, चांदी जैसा रंग है तेरा, मुहे आई ना जग से लाज जैसी अनेक गजल उनके नाम से ही जानी जाती हैं। करीब 41 साल से गायन के क्षेत्र में सक्रिय पद्मश्री पंकज उधास कैंसर मरीजों की सहायता भी करते हैं। आकाशवाणी की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी औषधि 2D-ऑक्सी-D ग्लूकोज जारी। रक्षा मंत्री ने कोविड महामारी से देश की लड़ाई में रक्षा मंत्रालय और सेना की कार्रवाई की समीक्षा की। देश में अब तक 18,29,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,78,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 84.81% हुई। देश में पिछले 24 घंटों में 2,81,386 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI ने 2 मंत्रियों और 1 विधायक को गिरफ्तार किया, पूर्व महापौर भी गिरफ्तार।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के खोनमोह में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादी मार गिराए। अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के आज रात पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना और उत्तराखंड में शीतकालीन अवकाश के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।